नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं विपिन परमार जो कि इनपुट एडिटर भी हैं और साथ में हरियाणा की राजनीति की बेहतर समझ भी रखते हैं। करनाल की जो सीट है वो बहुत अहम हो जाती है और जो करनाल की सीट पर इस वक्त की तस्वीर है वो अपने आप में बड़ी रोचक है, सिर्फ बीजेपी के लिहाज से नहीं बल्कि कांग्रेस के लिहाज से भी। आप देखिए कि जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां से लोकसभा के कैंडिडेट बनाए गए तब से सीट हॉट सीट बन गई, लेकिन उनके सामने कौन खड़ा होगा इस पर चर्चा भी लगातार हो रही। कांग्रेस से दो नाम अहम चल रहे हैं लेकिन उन दोनों नामों में कांग्रेस किस पर विश्वास करेगी ये अभी भी संशय बना हुआ है। विपिन, करनाल की सीट बहुत हॉट है लेकिन मनोहर लाल का सामना किससे होगा, कांग्रेस किस पर विचार कर रही है, कौन है वो दो नाम? देखिए, करनाल की धरती अपने आप में अगर बात करें दानवीर करण की धरती कही जाती है। कई लड़ाइयाँ यहाँ पर हुई। 1857 की क्रांति जब हुई तब अंग्रेज़ जब अपनी सेना के लिए शरणार्थल जो है ढूंढ रहे थे तो यहीं पर आकर उनकी ओर से डेरा डाला गया। फारस से नादिर शाह जब आए उनका मुगल साम्राज्य से लड़ाई जो है वो इसी जगह पर हुई। तो यहाँ पर जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो युद्ध होते हैं या जो जंगें होती हैं बड़ी रोमांचक होती हैं। 2024 का सफ़र है, 2024 से पहले भी जो राजनीति के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो ये सीट अपने आप में बड़ी अहम सीट मानी जाती है। लेकिन इस बार केंद्र बदला, हरियाणा की सियासत का केंद्र पहले रोहतक रहा करता था, ये कि कहा जाता था कि पॉलिटिकल राजधानी रोहतक है, लेकिन 2014 के बाद सिनेरियो शिफ्ट हुआ क्योंकि सीएम सिटी बन गया करनाल। अब सीएम सिटी जैसे ही बनी तो अपने आप में ये सिटी जो है या अपने आप में ये लोकसभा जो है वो काफ़ी हाईलाइट हुई। लेकिन इस बार का चुनाव, जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ रहे हों और पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाए गए हों, ऐसे में रण अपने आप जो है इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेकिन इस समय जो पशुपेश की स्थिति है या फिर जो सबसे बड़ा मंथन चल रहा है वो कांग्रेस पार्टी के सामने है। कांग्रेस पार्टी लगातार बैठकें कर रही है, प्रदेश की यूनिट लगातार बैठकें कर रही है, स्क्रीनिंग कमेटी, लेकिन लिस्टें लेकर जाते हैं तो वहां से वापस भेज दिया जाता है कि आप फिर से मंथन करके आइए, आप जो है अपनी जो प्रेफरेंस है फर्स्ट प्रेफरेंस बताइए, साथ ही साथ एक नाम के साथ मत आइए, आप एटलीस्ट एक से ज़्यादा नाम लेकर आइए। इस सीट के लिए लगातार पैनलों में नामों के ऐड होने का सिलसिला जो है वो जारी रहा, लेकिन एक नाम की बात करें तो लगातार इस लिस्ट में रहा, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा मंथन चल रहा है क्योंकि जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ऐसे में उस सीट पर उम्मीदवार उतारने के लिए लाजमी सी बात है आपको तमाम समीकरणों को साधना होता है, आपको तमाम उन गणित को जो है एक साथ इक्विलिब्रियम बिठाकर एक समानता देते हुए तमाम चीज़ों को तमाम फैक्टर्स को साधते हुए जो है उम्मीदवार उतारना होता है। तो वही मंथन फिलहाल चल रहा है लेकिन उस पर अभी तक कोई फैसला जो है वो होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसा विपिन कह रहे हैं कि ये ज़रूर कहा गया कि आप एक नाम लेकर मत आइए, आप एक से ज़्यादा, कितने ज़्यादा ये भी सवाल है। अब विपिन, यहाँ पर दो नामों का जिक्र हुआ खासतौर से कि मनोहर लाल का सामना कांग्रेस से ये दो नाम कर सकते हैं। एक चाणक्य पंडित का नाम सबसे आगे चल रहा है, युवा हैं, अधिवक्ता हैं, समाज सेवा के लिए भी जाने जाते हैं, सक्रिय हैं और राजनीतिक बैकग्राउंड भी है, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी के सुपुत्र हैं, तो उनकी दावेदारी बन रही है, नाम भी चल रहा है। लेकिन जो दूसरा नाम है वो बड़ा अपने आप में असमंजस वाला नाम है कि मराठा को अगर जो है वहाँ से मैदान में उतारने का विचार भी कांग्रेस करेगी तो उनका बैकग्राउंड जरा आप बताइए कि इस पर क्यों आखिर विचार हो रहा है। 2003 से वो शुरुआत करते हैं और हर बार हारते ही नजर आते हैं, क्या है मतलब इसका? देखिए, पॉलिटिकल सिनेरियो में नाम चलना, नाम आना, नाम हटना, ये तमाम चीज़ें रहती हैं जब तक एक्चुअल में टिकट जो है वो डिक्लेयर नहीं हो जाती। आपने बिल्कुल सही कहा, जब मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत कर रहा था मैंने एक बात कही कि एक नाम शुरुआत से चल रहा है, वो नाम है चाणक्य पंडित का। ये नाम इसलिए करनाल में, ये करनाल लोकसभा के लिए जो है डिस्कस में आया कि इस पूरे परिवार के इतिहास को उठाए, यानी कि चाणक्य पंडित के अगर आप पूरे परिवार के इतिहास को उठाएं, पंडित चरणजीलाल शर्मा, करनाल के गठन की अगर बात करें या करनाल की राजनीति सियासत की बात की जाए या करनाल के लोगों के साथ कनेक्ट की बात की जाए, उनका करनाल के प्रति या करनाल के लोगों के प्रति जो योगदान रहा है वो अभी भी लोग जो है वहाँ के याद करते हैं। उसके बाद उनके पिता पूर्व अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा कुलदीप शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, उनकी ओर से भी जो है कहीं ना कहीं इस शहर को, इस लोकसभा को जो है वो कभी भी जो है अपने घर से अलायदा जो है वो नहीं समझा, अलग नहीं समझा। ऐसे में उनके पुत्र भी अपने पिता के नक्शे कदम पर, अपने दादा के नक्शे कदम पर, क्योंकि पिछली बार जो है वो उनके पिता की ओर से जो है चुनाव लड़ा गया था,
पूरे इलेक्शन का काम उनके सुपुत्र चाणक्य पंडित की ओर से देखा गया। अब चाणक्य पंडित जो है कहीं ना कहीं खुद समाज सेवा से जुड़े और एकाएक उनका नाम जो है वो पार्टी की ओर से फ्लोट किया गया। और पार्टी की ओर से फ्लोट किया जाना, क्योंकि कांग्रेस की ओर से जब चुनावों की घोषणा से पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि युवाओं को तरजीह दी जाएगी, इस बार की जो लिस्टें आएंगी यानी कि 10 लोकसभा सीटों में हम युवाओं को प्रेफरेंस देंगे, जो कार्यकर्ता बेहद मेहनत करता है और आवेदन मांगे गए, बकायदा आवेदन किया भी गया, और ऐसे में उन तमाम क्राइटेरियाज पर सेट बैठने के बाद ये नाम जो है वो फ्लोट होता है। अब युवाओं को तरजीह देने की बात कांग्रेस की ओर से की गई थी और लाजमी सी बात है उन क्राइटेरियाज पर, चाहे वो जनता के साथ कनेक्ट, जो कांग्रेस का परफॉर्मा था कि जनता के साथ जिस नेता का कनेक्ट हो, जो जनता की नब्ज समझता हो, जिसको जनता जानती हो, या जिसने समाज सेवा के तौर पर काम किया हो, पार्टी के तौर पर काम किया गया हो, तो ऐसे में चाणक्य पंडित का नाम जो है वो आया। और कल तक जो कल भी बैठक हुई है उसमें भी चाणक्य पंडित का नाम जो है वो सामने आया। दूसरा नाम आपने वीरेंद्र जो है मराठा वर्मा का नाम जो है वो लगातार जो है वो चर्चा में आया। ये नाम एकाएक आया, एनसीपी में वीरेंद्र मराठा थे और उनकी ओर से कुछ दिन पहले एनसीपी को अलविदा कहकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की जाती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जाकर वो मिलते भी हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं, क्योंकि पार्टी में आप आ रहे हैं तो सीनियर नेताओं का आशीर्वाद आपको जरूरी है। लेकिन अब ऐसे में उनके नाम का एकाएक जिक्र आना, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि आप विरोधी जो है आपके सामने, वो अपने आप में इतना बड़ा कॉम्पिटिशन या इतने बड़ा हाई प्रोफाइल मुकाबला बन गया कि पूर्व मुख्यमंत्री के सामने चुनाव कौन लड़ेगा। अब ऐसे में तमाम समीकरण रहते हैं, जातिगत समीकरण हैं, तमाम चीज़ें देखनी होती हैं, और उन्हीं को साधते हुए कहीं ना कहीं ये नाम जो है वो फ्लोट होता दिखा करनाल लोकसभा के उम्मीदवारी के तौर पर कांग्रेस के नाम। अब जिस तरह से आपने कहा 2003, 2007, 2009, 2014, 2017, 2024 का सफर उनका जो है, इस बीच उन्होंने कई दल बदले, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, तमाम पार्टियों में वो रहे, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियों में वो रहे, लेकिन आखिरकार जितने भी वो चुनाव लड़े हैं अभी तक, यानी कि कुल 7 के करीब उनके चुनाव हैं, उनमें उनको हार का मुंह देखना पड़ा। लगातार जो है उनके ओर से चुनाव लड़े गए, दावेदारी पेश की गई, लेकिन जो रिस्पांस जनता की ओर से दिया गया वो हार का रिस्पांस जो है उनको दिया गया। अब ऐसी परिस्थिति में ये नाम चला जरूर है, लेकिन मैंने जिस तरह से आपको कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी या फिर जब पार्टी के मुख्य आला कमान जब तमाम नामों को देखेगी एक बार फिर से, क्योंकि एक एक जगह पर कहीं पर एक एक नाम भी है, दो दो नाम है, उन तमाम चीज़ों को आंकलन किया जाएगा, प्रोफाइलिंग को मैच किया जाएगा, कौन सा व्यक्ति जो है वो इम्पैक्टफुल है, पीछे का इतिहास उठाकर भी देखा जाएगा। तो ऐसे में काफ़ी एक लंबी प्रक्रिया है। अब देखना ये होगा कि क्या अगली मीटिंग में ये नाम सस्टेन करता है या नहीं करता, या कोई और नाम ऐड होता है, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही कांग्रेस पार्टी जो है वो अंतिम फैसला लेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपनी ही कही हुई बात कि युवाओं को तरजीह देनी चाहिए या फिर उसके अलायदा कोई फैसला लेते हुए जो है वो दूसरे नाम के साथ जाए। बिल्कुल सही कहा विपिन, और यहाँ पर यह भी दिलचस्प होगा देखना कि कांग्रेस पार्टी जो कि अभी भी न्याय के जरिए युवाओं की बात कर रही है, एक उसमें युवाओं का भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पर मुख्यमंत्री जो रहे हैं पहले, अब वो एक कैंडिडेट हैं लोकसभा के मनोहर लाल, जिनका बड़ा राजनीतिक कद है, करियर के हिसाब से देखें, संगठन के हिसाब से देखें, अनुभव के हिसाब से देखें, तो उनके सामने अगर किसी युवा को मौका दिया जाता है वो अपने आप में बड़ा प्रेफरेंस वाली बात होगी, या फिर एक ऐसे व्यक्ति को जिसका अनुभव रहा है लेकिन वो अनुभव सिर्फ हार का रहा है, जैसा आपने कहा कि 2003 से मराठा लड़े कई बार कई पार्टियों से लेकिन हारते रहे, ये एक फैक्टर मुझे लगता है कि शायद उनके खिलाफ जा सकता है या पक्ष में जा सकता है, कैसे देखते हैं? देखिए दोनों चीज़ें हैं, आप अगर चाणक्य पंडित की अगर बात करें तो जिस तरह से मैंने कहा कि राजनीतिक अनुभव उनके पास भी नहीं है, उनके परिवार का परिपेक्ष जो है वो जो पीछे रहा है इतिहास, वो पारिवारिक इतिहास जो है वो राजनीति से जुड़ा रहा है। उनके पिता भी कांग्रेस में जो है एक्टिव वर्कर के तौर पर, जो है वरिष्ठ नेता के तौर पर जो है अभी भी लगातार मौजूद है। ऐसी परिस्थिति में जो मैंने कहा कि इस परिवार का जो कनेक्ट करनाल के साथ रहा है लगातार, क्योंकि परिवार जो है वो करनाल की सेवा में डटा रहा है या लगा रहा है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या सामाजिक तौर पर हो, एक एडवांटेज वो हो जाती है कि एक युवा होने के नाते और परिवार के साथ साथ अपने जो उनके काम किए गए, ये जो एक कनेक्ट है चाणक्य पंडित का पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ समय में जिस तरह से उन्होंने एक कनेक्ट बनाने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एडवांटेज होगा। और वीरेंद्र मराठा वर्मा की अगर बात करें तो लाजमी सी बात है अनुभव उनके पास जरूर है इलेक्शन लड़ने का, उन्होंने चुनाव लड़े भी हैं, कई दलों का एक्सपीरियंस उनके पास में भी है, तो वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उनके उनके जो ड्रॉबैक या उनका एक जो सबसे बड़ी कमी नज़र आती है वो यही है कि
वो जो हार का फैक्टर कॉन्टिन्यूस चल रहा है, क्योंकि जब आप ये भी कहा जाता है कि आप चुनाव लड़ते हैं वो जीत हार का मायना नहीं देखा जाता, लेकिन कॉन्टिन्यूस हार का वो फैक्टर क्या कांग्रेस काउंट करेगी और क्या युवा को तरजीह दी जाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। की पॉइंट यही होगा। चलिए, तो आज फिलहाल जो हमने चर्चा की करनाल सीट की, तो अपने आप में बहुत दिलचस्प सीट है और वहाँ का जो मुकाबला होगा वो इस वजह से ज़्यादा रोचक होगा क्योंकि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिनके पास अनुभव भी है सत्ता में रहने का भी, संगठन चलाने का भी और फिर से केंद्र की राजनीति की तरफ बढ़ने का, लेकिन उनका मुकाबला कांग्रेस कैसे करेगी एक लगातार हारे हुए कैंडिडेट के साथ या एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकली अपने आप को, उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत सक्षम व्यक्ति हैं लेकिन एक युवा के तौर पर, समाजसेवी के तौर पर, एक नए राजनेता के तौर पर उनकी पहचान अलग बन सकती है अगर कांग्रेस उन पर भरोसा करती है। अब ये तय कांग्रेस को करना है कि मुख्यमंत्री जो पहले रहे यानी मनोहर लाल, उनका सामना कांग्रेस किस व्यक्ति से करवाना चाहती है, अनुभव से या एक युवा चेहरे से। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।